सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर सबब मीडिया के आप सारे का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं अवतार नगलिया गुस्ताखी माफ लैके फिर थोड़ी कचहरी के हाजिर हाँ। तो अज का जोड़ा विषय है स्कूलों लैके सिक्ख्या सिस्टम लैके सरकार की नीति बदनीति लैके बेशक करोने ने हिंदुस्तान के एक तहलका मचाया, सिस्टम नूं डावांडोल किया, जिते बिजनेस नूं व्यापार नूं काम काज नूं वड्डी सट बजी है, उत्थे खास करके स्कूली बच्चों ते इसका बहुत माड़ा प्रभाव पिया है। स्कूल भावें प्राइवेट होण भावें सरकारी होण, बच्चों नूं बहुत वड्डियां मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। असी जिस इलाके दे विच रहिंदे आ, यह एरिया ज़्यादातर घाट इलाके दे विच है, पहाड़ी खेतरां दे विच बहुत पिंड ने। ते उस तो वड्डी समस्या कि बहुत माँ बाप अनपढ़ ने। अज दे युग दे बराबर दे करन दे लई हर एक माँ बाप चाहुंदा है कि उहदा बच्चा वधिया स्कूल च पढ़े, महंगे स्कूल च पढ़े, तां कि उह वी पढ़ लिख के एक चंगा इंसान बन सके। दूजी वे दे विच, दूजी महामारी दे विच, दूजी लहर दे विच कह सकते हैं भी करोना ने कहर जरूर मचाया, पर लोगों दे विच इन्ना डर नहीं सी जिन्ना पहली वे दे विच डर सी। पहले साल भी बच्चों मुश्किलों का सामना करना पिया, इस बार भी, पर इस बार दिक्कत कुछ अलग तरह दियां सी, खास करके प्राइवेट स्कूलों दियां। जिमें कि पहलां तो ही रौला पैंदा जो प्राइवेट स्कूल ने यह सियासी लोगों के नाल, व्यापारी लोगों के नाल, बिजनेसमैन लोगों के नाल रले हुए ने, ता कि सिक्ख्या तो भी व्यापार का काम ले लिया जा सके, सिक्ख्या नूं भी एक लाहेवंद धंधा बनाया जा सके। वधिया स्कूलों का मतलब मैं समझदा भी महंगा स्कूल हुंदा। चंडीगढ़ दे असीं नेड़े वसदे आं, इत्थे थोड़ा जा कंपटीशन मुकाबलेबाजी वध जांदी है। हुण कल ही स्कूलां नूं लैके एक होर नवीं दुचित्ती जे विच मापे पए ने कि स्कूल पहलां खोल दिओ फिर बंद कर दिओ। पिछले हफ्ते हजे स्कूल खुले ने ते फिर रौला पैण लग गया कि स्कूल बंद कर दिओ। तुसी इस दे नाल देख लो, असी प्रॉब्लम देखी है भी पिछले हफ्ते एकदम सरकार का फैसला आ जाता कि कल स्कूल परसों स्कूल खोले जाएंगे, मापियां दे विच एक तरह की भगदड़ मची है, एकदम एक नवी मुश्किल, एक प्रॉब्लम नवी खड़ी हो गई सी। तो बहुत बच्चे अज तक भी बहुत बच्चों नूं वर्दियां नहीं मिली, उन्होंने जिहड़े पुरानियां वर्दियां सीगियां, पुरानियां ड्रैसां सीगियां, वो छोटियां हो गईयां। हुण फिर कल फिर रौला पै गया कि स्कूलों के विच कुछ केस आए ने, स्कूल बंद हो गए। मेरा सवाल यह है, सिक्ख्या जिहड़ा सिस्टम है साडा, सरकार ने, साडे सैकटरी ने, अफसर ने संबंधित, उस ओह किवें दी सोच रखते हैं? जिवें कि केंद्र सरकार वालों, एजेंसियां वालों, WHO वालों, होर संस्थावां ने जिहड़ियां, उन्हां दे वालों बार 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 रौला पार जा रहा कि तीजी लहर भी आने वाली। जे कि तीजी लहर वाकई सरकार नूं पता है, साडे सिस्टम नूं पता है भी तीजी लहर आउण वाली, फिर स्कूल खोलण दा मतलब की है? कोई माँ बाप नहीं चाहुंदा कि साडा बच्चा बीमार होवे। अज दे समें च न्याणे पहलां हुंदे बहुत औखे ने, फिर पढ़दे बहुत औखे ने। शायद गल कौड़ी लगे, गुस्ताखी माफ, कि जिन्हां दे आपदे बच्चे नहीं हैगे शायद उन्हां नूं इस गल दा अहसास ही ना होवे, उन्हां नूं दर्द ही ना होवे, क्योंकि जिहड़े सिस्टम नूं चलाउण वाले ने, सरकारां चलाउण वाले, उन्हां दा परिवार नहीं है बहुत। ते इह शायद गल कौड़ी लगे। सो मापे भी कित्थे तक लड़न, जिहदा एक जां दो जवाक ने, उह कहिंदे असीं स्कूल वाले नाल किद्दां लड़ीए। हुण फिर की सीगा वी स्कूलां दीआं जिहड़ीआं फीसां लईआं गईआं ने, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट दी फीस, उह वसूली गई है। सरकार नूं चाहीदा भी कोई ना कोई सिस्टम होवे अजरे समय दे विच,
ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।